भाषार्थ हे सोम, तू अविनाशी अमर है, तू हमारा सब प्रकार से रक्षक हो। हे राजन, हमारे शत्रुओं को दूर कर, हमारा निंदक हमारा कुछ न कर सके, कारण तू अत्यंत महान है। भाषार्थ हे सोम, तू उच्च कार्य करने वाला है, तू हमें अन्न देने के लिए सदैव जागृत रह, हमें निवास स्थान देने के लिए तू अद्वितीय है, तू हमारी द्रोही मानव तथा पाप से रक्षा कर, तू महान है। भाषार्थ हे वृत्र को नष्ट करने वाले सोम, जिस समय अपनी संतानों के संहारक युद्ध में योद्धा शत्रु चारों ओर से युद्ध के लिए हमें बुलाते हैं, उस समय इंद्र के कल्याणकारी सहायक तुम हमारा भी मित्र होते हो, कारण तुम महान हो। भाषार्थ वह यह निश्चय से ही जल्द कार्य करने वाला उत्साह वर्धक मदकर तथा इंद्र के प्रिय होकर बुद्धि को प्राप्त होता है, और इससे महाबुद्धिमान कक्षीवान ऋषि की बुद्धि को बढ़ाया था। तुम अत्यंत महान हो। भाषार्थ यह सोम दानशील बुद्धिमान यजमान को पशुयुक्त अन्न तथा भोग्य पदार्थों को देता है, यही सातों होताओं को उत्तम धन देता है, और अंधे दीर्घतमा ऋषि को नेत्र एवं लंगड़े परावृज ऋषि को पांव दिए थे। सचमुच ही तू महान है। षड्विंशम सूक्तम। भाषार्थ अतीव स्पृहणीय प्रेम युक्त उच्चारित स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हो। सदैव रथ को जोतने वाले महान पूषा देव हमारी रक्षा करें। भाषार्थ यह मेधावी मानव जिस पूषा देव के जीवन प्रद जल के भंडार के महान सामर्थ्य को अपनी स्तुतियों द्वारा उपभोग करता है, वह ही श्रेष्ठ स्तुति स्तोत्रों को जानता सुनता है। भाषार्थ सोम की भांति यह पूषा देव भी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तथा वह उत्तम स्तोत्रों को जानता सुनता है। वह रूपवान पूषा कृपा जल वृष्टि करता है, तथा वह हमारे गोष्ठ में भी जल का सिंचन करता है। भाषार्थ हे पूषा देव, हम अपनी बुद्धियों को प्रेरित करने वाला तथा बुद्धिमानों का आधार तुझे जानकर स्तवित करते हैं। भाषार्थ जो पूषा यज्ञ के अर्धांश का भागी तथा रथों में घोड़े जोत कर जाता है, वह सर्वदर्शक मानवों का हित करता मेधावियों का मित्र है, तथा वह उनके शत्रुओं को दूर कर देता है। भाषार्थ सब प्रकार से धारण करने में समर्थ तेजस्वी स्त्री पुरुषात्मक पशुओं के अधिभूत पूषा हैं, वही भेड़ की ऊन के वस्त्र बनाता है तथा धोकर स्वच्छ करता है। भाषार्थ वह ईश्वर पूषा सभी हविर द्रव्यों का अन्नों के अधिपति और सबके लिए पुष्टिकारक एवं मित्र हैं, यही तेजस्वी तथा दुर्धर्ष पूषा क्रीड़ा स्थान में अपने केशों को हिलाता है। भाषार्थ हे पूषा देव, तू सभी याचकों की मनः कामना पूरी करने वाला मित्र है, तू अजन्मा एवं अपने अधिकार से न हुआ अविनाशी है, तेरे रथ की धूरा का वहन छाग करते हैं। भाषार्थ महान पूषा देव अपने बल से हमारे रथ की रक्षा करें, वह अन्न की वृद्धि करें तथा हमारी विनती को सुनें। सप्तविंशम सूक्तम। भाषार्थ हे स्तोता, मेरा वह स्वभाव वेग सदैव रहता है कि मैं सोम यज्ञ के अनुष्ठाता यजमान को इच्छित फल देता हूँ, जो मुझे होमीय द्रव्य नहीं देता सत्य का नाश करता है, तथा जो चारों ओर पापाचरण करता फिरता है उसका सर्वनाश करता हूँ। भाषार्थ जब भी मैं प्रभु की पूजा आराधना न करने वाले तथा शरीर बल के कारण अविनीत लोगों के साथ संग्राम करने के लिए जाता हूँ, तब मैं हे इंद्र तेरे लिए पुष्ट वृषभ का पाक करता हूँ। मैं 15 तिथियों से प्रत्येक तिथि को सोमरस प्रस्तुत करता हूँ। भाषार्थ देव द्वेष्टाओं को युद्ध में मारा है, जो ऐसा कहता है उसको मैं नहीं जानता। जब हिंसा युक्त युद्ध में जाकर मैं उनका वध करता हूँ, सब उस मेरे वीरता युक्त कार्यों का वर्णन करते हैं। भाषार्थ जब मैं अनजान से अचानक युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ, तब सब महान सज्जन ऋषि मुझे घेर लेते हैं, संपूर्ण जगत के कल्याण एवं रक्षण के लिए सब ओर फैले शत्रु को भी नष्ट करता हूँ।
उसके पांव पड़कर उसे पहाड़ पर फेंक देता हूं। भाषार्थ, मुझे संग्राम में निवारण करने वाला कोई भी नहीं है। यदि मैं चाहूं तो पहाड़ भी मेरा विरोध नहीं कर सकते। मेरे शब्द से बहरा व्यक्ति भी भयभीत होता है। ऐसे ही प्रतिदिन सूर्य भी कांपता है। भाषार्थ, मैं इस संसार में मुझ इंद्र को न मानने वाले देवों के लिए प्रस्तुत सोमरस बलपूर्वक पीने वाले हविर द्रव्य का उपभोग करने वाले बाहें भाजते हुए हिंसा करने के लिए दौड़ने वाले लोगों को देखता हूँ और उनको भी देखता हूँ जो अपने सहायक मित्र की निंदा करते हैं। उन पर निश्चय से मेरे वज्र का प्रहार होता है। भाषार्थ, हे इंद्र, तुमने प्रकट होकर दर्शन दिया और वर्षा भी बरसाई। तू दीर्घजीवी है। तू पहले शत्रु का विदारण किया था और बाद भी किया था, जो इस लोक के पार भी व्याप रहा है। ये सर्वव्यापक द्यावा पृथ्वी उसको नहीं माप सकते। भाषार्थ, बहुत सी गायें इकट्ठी होकर यव आदि को खा रही हैं। स्वामी की भांति मैं गायों की देखभाल करता हूँ तथा मैं देखता हूँ कि वह चरवाहों के साथ चर रही हैं। बुलाने पर भी वह गायें अपने स्वामी के चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। उनसे स्वामी ने प्रचुर दुग्ध का दोहन कर लिया है। भाषार्थ, इस महान संसार में तृण खाने वाले हम ही हैं। हम ही अन्न यव खाने वाले हैं। सब एकत्र ही हैं। इस लोक में समाहित चित्त होकर मानव प्रभु की इच्छा करे, उसकी उपासना कर और वह प्रभु असंयमी योग शून्य मानव को सुमार्ग में लगाता है। भाषार्थ, यहाँ ही मैं जो मेरे विषय में कहता हूँ वह सत्य है, यह तू निश्चय से जान। जो भी द्विपाद मानव पक्षी तथा चतुष्पाद पशु हैं उनको मैं उत्पन्न करता हूँ। इस संसार में जो स्त्रियों की भांति पराधीन पुरुषों से युक्त होकर वीर्यवान मुझसे युद्ध करता है, युद्ध के बिना ही उसका धन हरकर मैं दूसरे को दे देता हूँ। भाषार्थ, जिसकी आँखों से रहित कन्या है, कौन विद्वान उस अंधी कन्या को अपना आश्रय देगा? जो इसको धारण करता है, जो इसको रोकता है, उस वज्र को कौन धारण करता है? भाषार्थ, कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो स्त्री की कामना करने वाले मानव के स्तुतियुक्त वचन तथा धन से उस पर आशक्त हो जाती हैं, परंतु जो कल्याणप्रद एवं स्वरूप स्त्री है वह मानवों के बीच अपने मन के अनुकूल मित्र पुरुष को प्रतिरूप में स्वीकार करती है। भाषार्थ, आदित्य देव अपनी किरणों के प्रकाश को व्यक्त करता है तथा अपने में स्थिर प्रकाश का ग्रहण करके अपने मस्तक को ढकने वाली किरणों को इस संसार के ऊपर वर्षाता है। वह ऊपर विद्यमान तेजस्वी दीप्त के पास स्थित होकर उसे छीण करके नीचे विस्तृत पृथ्वी पर अपनी किरणों से प्राप्त होता है। भाषार्थ, वह आदित्य महान तम अंधकार रहित नित्य तथा सतत गमन करने वाला है। इसी प्रकार यह सर्वोत्पादक व्यापक एवं संसार को धारण करने वाला आदित्य हवि खाता है। यह द्युलोक रूपिणी गौ दूसरी गौ अदिति के बच्चे को प्रेम से स्थापित करती है। वह किस भाव से गौ के स्तन समान अंतरिक्ष में धारण करती है? भाषार्थ, प्रजापति के नाभि शरीर से विश्वामित्र आदि सात ऋषि उत्पन्न हुए तथा उसके उत्तरी शरीर से बालखिल्य आदि आठ उत्पन्न हुए, पीछे से भृगु आदि नौ उत्पन्न हुए, अंगिरा आदि दस आगे से उत्पन्न हुए। ये यज्ञांश का भक्षण करने वाले द्युलोक के उन्नत प्रदेश की अभिवृद्धि करते हैं। भाषार्थ, इस अंगिरसों में एक सबके प्रति एक जैसा भाव रखने वाला कपिल हैं। उसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराने वाले आवश्यक यज्ञादि कार्य साधना के लिए प्रेरित करते हैं। संसार निर्मात्री प्रकृति माता ने इच्छा न करने वाले उस